हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है एक अपराजिता प्लांट। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर बीज डाल दिए थे, वही बीज ग्रो होकर अब प्लांट बन गए हैं और अब ये हाइट लेने के लिए रेडी हैं। तो हमने अपनी ग्रिल से रस्सी लटका दी है, रस्सी हमने जूट वाली ली है, ये काफ़ी अच्छी होती है पकड़ पकड़ने के लिए। तो हम इसे अच्छे से बांध देंगे प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक केल ताकि ये इसको अच्छे से फर्टिलाइज करता रहे और प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिले। तो हमने केल लगा दी है और प्लांट को हम बांधेंगे रस्सी से, और इसको एक या दो बार ही हमको रस्सी से लपेटना पड़ता है, बाकी का काम ये खुद ही कर लेता है, हाइट अपनी पकड़ लेता है। तो अब बस हम इसको ऐसे ही लपेट देंगे, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। अपराजिता प्लांट जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है, ये क्रिपर प्लांट है। तो ये इसको रस्सी बांधेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, अगर इसको नहीं बांधेंगे तो आसपास के पौधों पर ये फैलेगा और उनको पकड़कर ये जकड़ लेगा, तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो आप इसका अच्छा इससे अच्छा यही है कि आप रस्सी बांध के इसको चढ़ा दें, ये अपने आप में बढ़ता रहेगा और दूसरे प्लांटों को ही डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और कुछ दिन बाद ये देखिए इस तरह से इन्होंने इतनी रस्सी पकड़ ली है। और जो मेरा ब्लैक बुश वाइन का प्लांट है उससे भी ज़्यादा इसने हाइट ले ली है, यानी कि अपराजिता प्लांट बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट भी है। इसके अंदर जो फूल आते हैं नीले नीले, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये नीला फूलों वाला अपराजिता है, वाइट फूलों वाला भी आता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फूल जब भी आएंगे अपडेट।